आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि CSE से LIC कैसे पेमेंट करें, रिन्यूअल करें। चलिए आपको हम बताते हैं कि LIC कैसे जमा किया जाता है CSE से। हमने देखिए डिजिटल सेवा ओपन किया। डिजिटल सेवा ओपन करने के बाद इसको लॉगिन कीजिए। यहाँ पर अपना CSE ID डालिए, उसके बाद CSE पासवर्ड डालिए, उसके बाद ये लॉगिन होगा। देखिए ये लॉगिन हो गया। उसके बाद ये आप सर्विस में जाइए, या देखिए ऊपर लिखा होगा इंश्योरेंस, ऊपर लिखा होगा ऊपर हेडिंग में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पर कर लिए। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बाद देखिए स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे दिखाएगा LIC रिन्यूअल। देखिए बी के नीचे होगा, उसको दबाने के बाद अपना पॉलिसी नंबर डालिए। पॉलिसी नंबर एक मोबाइल नंबर जो कोई भी हो, कस्टमर का या खुद का भी अपने डाल भी सकते हैं, मगर ज़्यादातर बेटर होता है कि कस्टमर का ही डालिएगा, ठीक रहेगा। हमने यहाँ डिटेल को धुंधला कर दिया है क्योंकि दूसरे का परफेक्ट डिटेल हम नहीं दिखा सकते, उसको सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। इसको CSE पासवर्ड डालिएगा तभी ये आपका अमाउंट डिटेक्ट होगा, इससे कटेगा। जैसे देख रहे हमने डाल दिया CSE, हमने पासवर्ड डाल दिया, क्यों हमारा देखिए प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ये आपका PDF निकल गया, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और पार्टी को प्रिंट आउट एक करके दे सकते हैं, जिसमें आपका CSE ID नंबर वंबर सब रहेगा और इस पार्टी का पॉलिसी नंबर कितना जमा हुआ है सब पूरा फुल डिटेल इसमें आता है।